जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और वक्त कॉलर लेने का हो गया है। नोएडा से पूरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पूरन, बताएं आपकी समस्या क्या है और अपनी डिटेल्स भी बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं पंडित जी। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 जी, और सुबह 9:45 का टाइम है जी, और जन्म स्थान है लखीमपुर के लिए जी। मुझे अपने आगे के भविष्य के बारे में कंफर्म करना था कि मेरा आगे का दिनचर्या कैसी रहेगी और आगे मेरी तबीयत के बारे में कि मैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति देवता जो है वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। तीसरा और छठा भाव जो है कभी भी कुंडली में बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता, और अगर इससे संबंधित कोई महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित ही बहुत कष्ट का समय ये किसी भी जातक के लिए होता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती ही हैं, इसके साथ साथ आर्थिक समस्या के साथ साथ आपको जीवन में हर क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसा आप विकास चाहते हैं, जो आपकी योग्यता है वैसा विकास आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्योंकि बृहस्पति की दशा है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अंतरदशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और बुध जो है वो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो जितना भी लाभ या जितना भी योग मिल रहा, जो भी अभी आपको सफलता प्राप्त हो रही है, जो भी आप रोजी रोटी कमा रहे हैं वो बुध ग्रह की वजह से कमा पा रहे हैं, क्योंकि वह भाग्येश भी है और उसके साथ साथ 12वें स्थान व्यय भाव का स्वामी होकर के आय भाव में बुध बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में। तो जो कुछ भी समर्थन आपको भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा है वो बुध की वजह से मिल रहा है। तो आपको सबसे अच्छे तरीके से करना यह है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और थोड़ा सा धैर्य रख करके आप काम करें। जिस भी कार्य क्षेत्र में है, वाहन का प्रयोग इत्यादि करते हैं तो सावधानी से करिए, आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का महाउपाय जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी प्राप्ति के उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी चाहते हैं, जैसी आपकी योग्यता है, जैसा आपका टैलेंट है, अगर उसके अनुसार आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आज हम आपको कुछ नवग्रहों के टोटके बताएंगे। इसमें आपको करना यह है, सबसे पहले आपको ये जानकारी करनी है कि आपकी कुंडली के अनुसार किस ग्रह की स्थिति खराब है। ये आपके अपने जो पारिवारिक ज्योतिषी होंगे वो बता सकते हैं, या जिस भी ज्योतिषी में, जिस भी एस्ट्रोलॉजर में आपका विश्वास हो आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे एक बार आपको जानकारी लेनी चाहिए। और फिर ये जानकारी प्राप्त करके कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में खराब है उसका अगर आप निदान कर लें, उसके सरल टोटके यदि आप अपना लें तो निश्चित है, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। ग्रहों के अनुसार रोजगार प्राप्ति के आज हम आपको सिद्ध और अनुभूत टोटके बताने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि सुंदरकांड की एक ऐसी चौपाई जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों का तोड़ है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आनी हो, अगर इस चौपाई का जाप कर लिया जाए तो वो उसको टाल देती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नौकरी के बारे में कुछ उपाय।
यदि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं और सभी उपाय आप आजमा करके थक चुके हैं, आपने किसी भी तरीके के किसी उपाय को छोड़ा नहीं है, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाएं, उनसे अपना भविष्य जानें और ये जानकारी प्राप्त करें कि किस ग्रह के कारण आपको रोजगार प्राप्ति में बार बार बाधाएं आती हैं, या अगर आपको रोजगार मिलता है तो वो भी अल्पकालीन होता है, बहुत लंबे समय तक वो टिकता नहीं है। उनके बताए अनुसार, उसी ग्रह के अनुसार जो उपाय मैं आपको टोट के बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि फला फला ग्रह खराब है, वो भी आपको निश्चित तौर पर जैसे मैं बताता हूं कि कुछ उपाय करना चाहिए वो बताएंगे, उसके साथ साथ मैं जो टोट के बता रहा हूं अगर आप उसको अपना लें तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार रोजगार प्राप्ति के टोटके कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह, यदि अशुभ सूर्य के कारण आपको रोजगार में बार बार बाधा आती है तो गाय को रोटी खिलानी चाहिए, आपको गाय को रोटी खिलाना आरंभ कर देना चाहिए, काली लाल अथवा पीली गाय को ही आपको रोटी खिलानी चाहिए, यह आपके लिए विशेष तौर पर आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल के कारण यदि आपको रोजगार प्राप्ति में बार बार बाधा आती है तो घर में बड़े बुजुर्ग भाई बंधु महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और मंगलवार के दिन दाहिने हाथ में चांदी की या तांबे की एक अंगूठी या कड़ा आप पहन लें। गुड़ चने और गेहूं का दान मंगलवार के दिन आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद अब बारी चंद्रमा की। चंद्र ग्रह के कारण यदि आपके रोजगार में बार बार बाधा आती है तो रात्रि में आपको दूध नहीं पीना चाहिए, दूध ग्रहण करेंगे तो आपका चंद्रमा और अशुभ होता रहेगा और प्रतिदिन रात्रि में अपने माता पिता को, अपने परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, स्वयं उनकी सेवा आपको अपने हाथों से करनी चाहिए, अगर आप चरण सेवा कर सकते हैं तो वो करें और अपने हाथों से उन्हें ले जा करके दूध आप दें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, इससे आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की अशुभ स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बारी आ जाती है बुध ग्रह की। बुध ग्रह के कारण यदि आपके रोजगार में बार बार बाधा उत्पन्न होती हो तो चांदी का कोई आभूषण आपको धारण करना चाहिए तथा सोना खरीद के थोड़ा सा, कुछ भी जितना सामर्थ्य हो थोड़ा सा सोना खरीद करके अपने घर में रखना चाहिए। घर में पेड़ पौधे कम लगाएं, घर से बाहर आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, स्वयं के हाथों से आपको पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, ऐसा लाल किताब का वर्णन है। रात्रि में दूध की बोतल जो है किसी एक एकांत स्थान में जमीन में अगर आप गाड़ के आते हैं तो लाल किताब के अनुसार ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ देता है, इससे आपकी कुंडली में अशुभ बुध की जो स्थिति है वह समाप्त हो जाती है। गुरु ग्रह के कारण आपके रोजगार में बाधा उत्पन्न हो तो लाल गुंजा एवं सोने का एक सिक्का एक पीले कपड़े में बांध करके घर में किसी स्थान में आप रख दें। स्वयं सोने का कोई आभूषण आपको धारण नहीं करना चाहिए, पीली गाय को गुड़ एवं चने खिलाएं तो आपको फायदा मिलेगा। ये है बृहस्पति का निदान, अशुभ बृहस्पति का निदान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह के कारण रोजगार प्राप्ति में बार बार बाधा उत्पन्न होती है, जो आप अगर कोई जॉब ज्वाइन भी करते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो ऐसे में आपको करना यह है कि घर की बुजुर्ग स्त्रियों के चरण स्पर्श आप रोज नित्य करें, इसको अपना एक नियम बना लें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और समय समय पर महिलाओं को, कन्याओं को, छोटे बच्चों को कुछ मिठाइयां या सफेद चीजों का दान आपको करते रहना चाहिए। अब बारी अशुभ शनि के दोष निवारण की। यदि आपके रोजगार में शनि ग्रह के कारण बार बार बाधा उत्पन्न होती है तो एक पात्र में तिल का तेल लेकर के या सरसों का तेल लेकर के उसमें आप अपनी परछाई देख करके उसको किसी भिखारी को दे सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें, इसे छायादान कहते हैं, हम ये आपको अक्सर बताते रहते हैं और शनि के दोष निवारण के लिए ये छायादान जो है ये सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है, इसको शनिवार के दिन करना चाहिए और लोहे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। अब बारी आ जाती है राहु की। यदि राहु के कारण आपके रोजगार में बार बार बाधा उत्पन्न होती है तो सौंफ, लाल गुंजा को एक लाल वस्त्र में बांध करके अपने शयन कक्ष में आप रख दें, अपने बेडरूम में रख दें या अपने बेड के नीचे आप गद्दों के नीचे डाल सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं केतु के अशुभ दोष निवारण की। यदि केतु के कारण आपके रोजगार में बार बार बाधा उत्पन्न होती है तो तेल चुपड़ी हुई सरसों का तेल, चुपड़ी हुई रोटी नित्य आपको किसी एक कुत्ते के लिए रख देनी चाहिए घर से बाहर, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
तो ये जो सरल सरल से उपाय हैं, खासतौर पर ये उपाय लाल किताब से लिए गए हैं। लाल किताब के उपाय थोड़ा सा प्रयोग में सुनने में उठपटांग जरूर लगते हैं, लेकिन ये आम वैदिक उपायों से अलग हैं और कई बार इनका प्रभाव जो है बहुत चमत्कारी देखा गया है। तो इनको आपको प्रयोग में अवश्य लेना चाहिए, एक बार आप प्रयोग करके देख सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही है इसमें। तो ये तो बात हो गई नौ ग्रहों के सरल उपाय की, जिनको अपना करके आप अपने रोजी रोजगार में, नौकरी व्यापार में जो बाधा आती है उसको दूर कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं बड़ी से बड़ी मुसीबतों का कौन सा वो तोड़ है, वो सुंदरकांड की कौन सी एक चौपाई है जो बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान चुटकियों में कर देती है। आइए मैं आपको बताता हूं। दैनिक जीवन में हर इंसान कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करता है, इनमें से कुछ तो पलक झपकते ही सुलझ जाती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति को इतना उलझा देती हैं कि मानसिक अशांति का कारण बन जाता है और इससे व्यक्ति जो है चैन से जी नहीं पाता, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इनमें पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक या व्यवहार क्षेत्र से जुड़ी हुई कई बातें शामिल होती हैं। इन क्षेत्रों में से कहीं से भी, जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई वो समस्या हो सकती है। अगर आप भी किसी समस्या में बुरी तरीके से उलझे हैं और चाहते हैं कि जीवन में शांति और सुकून भरा आपका जीवन हो जाए, तो आपको जो मैं हमारे धर्मग्रंथ रामायण के सुंदरकांड की जो चौपाई बताने जा रहा हूँ, हनुमान जी का स्मरण करने वाली ये विशेष चौपाई बहुत ही राहत देने वाली होती है, इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड की ये एक ऐसी चौपाई है जो किसी भी परेशानी के वक्त मन ही मन यदि कोई व्यक्ति बोले, उसका उच्चारण करे, जाप करे, तो चमत्कारिक तरीके से मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है। सुंदरकांड की ये चौपाई खासकर वीर हनुमान व महाबली अंगद के स्मरण से दुख, चिंता और समस्याओं से बिखरे हुए मन, टूटी हुई हिम्मत और हौसले को बुलंद करने वाली मानी जाती है, क्योंकि श्री हनुमान संकट मोचक देवता हैं और अंगद भगवान जो हैं, अंगद जी जो थे, वह बल, उत्साह और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। तो ऐसे में रामायण की ऐसी ही छोटी सी चौपाई का नियमित यदि आप जाप करें, और इसका जाप यदि आप मंगलवार या शनिवार से आरंभ करते हैं, या जिस दिन आप किसी घोर परेशानी में, विकट समस्या में घिर जाएं, उस दौरान आप अगर इसका मन ही मन स्मरण करें, तो आपका मन विश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा और किसी भी समस्या का समाधान आप अपने हिम्मत, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से निकाल पाएंगे। मंगलवार या किसी भी मुश्किल के वक्त सुबह स्नान करके इस चौपाई का जाप आप कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र और मानसिक भावों के साथ भगवान श्री हनुमान को लाल चंदन, सिंदूर और सुगंधित पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। सुगंधित धूप बत्ती लगा करके लाल आसन पर दक्षिण दिशा में मुंह रख करके यथासंभव लाल मूंगे की माला से, जो चौपाई मैं बताने जा रहा हूं, इसका स्मरण आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। अगर लाल मूंगे की माला उपलब्ध ना हो पाए तो आप लाल चंदन की माला पर जाप कर सकते हैं, और लाल चंदन की माला भी ना मिले तो आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप उंगलियों पर, जिसे कर माला कहते हैं, उंगलियों पर गिन करके जाप कर सकते हैं। और अगर बहुत विकट परिस्थिति है, आप कहीं माला खोजने नहीं जा सकते, तो बिना संख्या के भी आप इसका जाप जो है अपने मन में कर सकते हैं, बिना किसी चीज के, बिना किसी माला के। हनुमान जी आपका कल्याण अवश्य करेंगे, वो आपकी परिस्थिति को, आपकी स्थिति को समझते हुए आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चमत्कारी चौपाई है जिसकी महिमा, जिसका वर्णन मैं आपको निरंतर बताया जा रहा हूं, उस चौपाई का किस प्रकार से आपको लाभ लेना है, कैसे आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये चौपाई है हनुमान अंगद रन गाजय हाक सुनत रजनी चर भाजय। एक बार पुनः सुन लीजिए, हनुमान अंगद रन गाजय हाक सुनत रजनी चर भाजय। इस चौपाई के अर्थों में छुपा संदेश ये है कि राम रावण युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भय और आक्रमण से रजनीचर यानी राक्षस रूपी बुरी शक्तियां जो थी वह मैदान छोड़ करके भाग गई। व्यवहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंश महावीर हनुमान के स्मरण से राक्षस रूपी भय, परेशानी, चिंता और बुरे भावों का अंत निश्चित ही हो जाता है। इसके बाद श्री हनुमान जी की यथाशक्ति आप मिठाई का भोग लगा करके आरती कर लें और अपने मंगल की कामना करें, अपने परिवार की सुरक्षा की कामना करें। इस भावना के साथ यदि आप मंगलवार को एक बार इस चौपाई को सिद्ध कर लेते हैं हनुमान जी के समक्ष बैठ करके, जिस विधान से मैंने आपको बताया, और उसके बाद नियमित आप रोज अपने घर में 108 बार इसका जाप करते रहें,
तो आपको लाभ मिलेगा। और फिर किसी भी विकट परिस्थिति के समय में आप इसका मन में स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें। ये चौपाई आपको कभी भी जीवन में किसी भी विकट परिस्थिति में घिरने ही नहीं देगी। हनुमान जी आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो आज हमने जाना कि नौकरी हम कैसे पाएं, इसके साथ साथ अपनी मन की उलझनों को कैसे सुलझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय हनुमान। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।